नहीं, हमारे तो दरअसल डॉक्यूमेंट ही गायब कर दिए थे। डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे? हाँ, हमको नॉमिनेशन भरते समय रिसिप्ट दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। रिसिप्ट तभी दिया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होते हैं। उसमें दो नॉमिनी के पेपर्स होते हैं, उनका आईडी कार्ड होता है, एक एफिडेविट होता है कोर्ट का, और आपका मार्कशीट होता है। फीस वगैरह भी दी होगी? हाँ, 500 रुपये का ड्राफ्ट देते हैं हम लोग चुनाव लड़ने के। हाँ, तो दोनों ने वो भी दे देते? हाँ, दोनों ने दिया था वो। तो आपने कुछ प्रचार वगैरह भी किया था? प्रचार की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो तैयारी तो पूरी थी लेकिन फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। पुख्ता जवाब नहीं दे पाए? हाँ, उन्होंने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया, तो हम लोगों का बीएसएफ ने यही आगे लीगल प्रोसीजर अपनाने का मन बनाया है कि आगे हम FIR करेंगे, और जो भी इलेक्शन रोकने का, अब तो रोकना नामुमकिन है क्योंकि कल ही इलेक्शन है, तो जो भी पॉसिबल वे होगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, FIR हो सकती है? कौन हो सकते हैं इसमें मुख्य आरोपी? मुख्य आरोपी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर प्रोफेसर चंद्रशेखर। क्यों रोकेंगे आपका चुनाव लड़ना वो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो DSU की इतिहास रहा है, DSU के इतिहास में चाहे वो AVP रहा हो चाहे NSUI रहा हो, दोनों पार्टियां एक ही हैं, कैंडिडेट एक ही विशेष कम्युनिटी से हमेशा से आते आए हैं, तो ये इतिहास में पहली बार रहा है कि दलित समाज से, एक बहुजन समाज से एक कैंडिडेट जो डायरेक्ट DSU कैंडिडेट के लिए लड़ता है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी में एक मेजर वोट है, नीले झंडे का जो हम पॉलिटिक्स करते हैं, जो अम्बेडकर राइट हमारा पॉलिटिक्स है, जिस आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं, बाबा साहब की कांसीराम की, तो हम एक मेजर वोट होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं जो SC हैं DU में, लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट, ज़्यादा स्टूडेंट है जो अलग अलग कोर्सेज में PhD से लेकर मास्टर्स ग्रेजुएशन LLB तक में हैं। आपका कोई नेता क्यों नहीं बन पाया DU में, इतना संख्या है? क्योंकि अभी तक तो कोई जो पहले इतिहास रहा है, मतलब हमारे 2-15 बैच का एक रहा है सीनियर, तो उन्होंने भी ऐसे एक अम्बेडकराइट कोलिएशन किया था, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, लेकिन उन्हें भी इसी तरह रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद कोई नाम आगे आया नहीं उसके बाद। तो अब 40,000 स्टूडेंट्स हैं DU में, कोई संगठन नहीं है इनका खुद का, और दूसरे लोगों को वोट बनाकर नेता बनाते रहते हैं ये। तो अब हमारे लोगों में अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब तक हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होगा तो हमें मजबूरी में किसी थर्ड पार्टी को वोट देना पड़ेगा। जब तक हमारा खुद का कैंडिडेट, हमारे बीच का नेता नहीं खड़ा होगा जो हमारे समाज से आता है, दूसरे समाज के, हमारे समाज के बच्चों का क्या जाने, वो क्या जाने कि हमारे समाज के आने वाले छात्रों को यहाँ पे क्या इस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो नेता चुने जाते हैं DU में या JNU में, ये ऐसी स्टूडेंट की समस्या सॉल्व कराते भी हैं या सिर्फ वोट ही ले लेते हैं? केवल वोट ही लेते हैं, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ये नेता बनते हैं पहले DU में JNU में, फिर विधानसभा पहुंच जाते हैं? ये अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बनते हैं, इनका स्टूडेंट राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी कॉलेज को उठा लीजिए, जो पहले से जो आज तक फैसिलिटीज रही हैं आज भी वही हैं, कोई उसमें खास बदलाव नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं अम्बेडकर भवन में दिल्ली में, हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव है छात्र संघ चुनाव, उसमें भी चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उन्होंने इनका पर्चा जो है कैंसिल कर दिया है, इस विषय में बात करेंगे। शैलेंद्र जी, पूरा मामला क्या है, आपका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल कर दिया गया है? हमें पूरे डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गया था, हमारे सारे नॉमिनेशन के पेपर ओके थे, लेकिन जब हम नॉमिनेशन भरते हैं उस समय हमें रिसिप्ट भी दिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट हमारे अटैच हैं। कौन सा संगठन है आपका? BSF, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से हम लोग लड़ रहे थे, अलायंस से, जो कि एक फ्रेटर्निटी मूवमेंट है केरला का, उसके अलायंस से लड़ रहे थे। मैं शैलेंद्र सिंह अध्यक्ष पद पे, और वाइस प्रेसिडेंट पे यासीन के मोहम्मद। अच्छा, और दो पद और होते हैं? दो पदों पे हमारे कैंडिडेट, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम था इसलिए वो नहीं लड़ पाए। तो आपका पूरा जो पैनल कहाँ हो पाया था? हाँ, पैनल तो नहीं हो पाया था, क्योंकि तो ये कुछ वजह तो नहीं है फिर? ये भी नहीं, वजह यही थी कि उनका अटेंडेंस पूरा नहीं था हमारे दो कैंडिडेटों का, इसी की वजह, यही वजह थी और कोई वजह नहीं थी। जो आपने दो कैंडिडेट के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो कंप्लीट थे? हाँ, वो दोनों कंप्लीट थे। हमारा जो सेकंड कैंडिडेट था वाइस प्रेसिडेंट के लिए यासीन के मोहम्मद, जब हमने कंप्लेन किया था, तो जब पूरा पैनल बैठा था कमीशन की क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था, तो उन्होंने उस समय डॉक्यूमेंट पेश किए हमारे सेकंड कैंडिडेट के, यासीन मोहम्मद के, तो उसमें उनके एफिडेविट पे साइन नहीं थे, ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था, तो उनका कोई ऐसा इशू नहीं था, वो जेन्युइन था। आपकी नज़र में DU में जो SC स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम रहती हैं?
प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब भी एक जनरल किसी भी टॉपिक पे बात होगा तो आप खुल के नहीं बोल सकते कि आप विशेष, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके मन में ये भाव होता है कि ये तो बच्चा रिजर्वेशन से आया हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन जब हमारी संख्या ही कम है जो पढ़ पा रही, क्योंकि हम अपने समाज के वो क्रीमी लेयर हैं जो यहाँ आके पढ़ पा रहे हैं। क्या काम करते हैं फिर स्टूडेंट के लिए? तो काम करते नहीं है ये, कोई काम नहीं करते। जो फंड आता है डूसू का वो खाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन नेता तो बन जाते हैं, चाहे रागी नायक हो चाहे अलका लांबा, वहीं से निकले डीयू से। तो पैसा है, डीयू का एक बहुत अच्छा फंड आता है जो कि अगर खर्च किया जाए तो स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत अच्छे तरीके से खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये लोग खर्च नहीं करते, ये अपना उस फंड को व्यक्तिगत अपने संगठनों में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो स्टूडेंट की जो समस्या है उन पर सॉल्व नहीं हो पाती, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं होता ना, तो ये लोग किसी क्लियरेंस पे बात करते हैं केवल। ये अब इलेक्शन का टाइम है, तो रोजगार के लिए बात करते हैं स्टूडेंट ये? क्या रोजगार के लिए बात करेंगे जब तो ये खुल के हमारे नॉमिनेशन ही फाड़ देते हैं कभी। तो ये बहुजन राजनीति को क्यों नहीं पैदा होने देते हैं डीयू में या जेएनयू में? वो इसीलिए नहीं होने देते कि जो एक, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं अपने जो इनकी मानसिकता, ये हम अपने आप को हमसे हमको कमतर समझते हैं, ये समझते हैं कि हम तो रिजर्वेशन से, हम काबिलियत नहीं रखते हैं। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है, हमारे जो लड़के हैं वो तो हमें, हमारे लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता है, वरना हम लोग तो इतना काबिलियत रखते हैं, पीएचडी तक का रखते हैं। हमारे जितने भी डीयू के स्कॉलर्स हैं सारे पीएचडी हैं, जो लंबे समय से जुड़े आए डीयू की ही राजनीति से जुड़े आए, वो पूरा समर्थन करते हैं हमारी राजनीति। लेकिन ये जो छात्र नेता हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, कांशीराम की बात करते हैं और फूले साहू जी की बात करते हैं, लेकिन उनके जैसे नेता क्यों नहीं बनने देते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में? वो इसीलिए नहीं बनने देते क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं, ये व्यक्ति तो व्यक्तिगत तौर पर कतई नहीं चाहते, ये संगठन नहीं चाहते कि कोई जातिवाद है क्या वहाँ भी? जातिवाद है, आप खुल के बोलिए, आप जाइए, जब इलेक्शन का नॉमिनेशन भरता है तो मीडिया कवर ही नहीं करता उस चीज़ को, वहाँ कैंडिडेटों के नॉमिनेशन ऐसे फाड़े जाते हैं पूरे प्रशासन के सामने, और उस जगह पे कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता, ना ही वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। हमारे सामने ऐसा हुआ, आप कभी नॉमिनेशन के बाहर जो भीड़ होता है उसको देखिए, बाहर से लोग बुलाए जाते हैं इलेक्शंस में, डीयू के उनमें से कोई डीयू का स्टूडेंट नहीं होता जो वहाँ का प्रचार कर रहा है। तो छात्र राजनीति में गुंडागर्दी ज़्यादा है? हाँ, पूरा गुंडागर्दी है। आप जाइए, आप बोलिए, खुल के बोलिए, तो कोई नेशनल मीडिया हम लोगों का आवाज़ ही नहीं सुनता है, ना तो ये सुनते हैं जो डीसू पैनल भी आया जो भी जीतेगा, ना ये हमारी राजनीति को सक्सेसफुल होने का काम करता है, ना ये जो भी मीडिया है, ये मीडिया हमारी बात दिखाता ही नहीं कि कोई दलित, जो डीसू का इतिहास रहा है 30 साल में पहली बार कोई दलित, एक आम घर का बच्चा, एक गरीब परिवार से आने वाला बच्चा डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है, तो ये लोग कभी इस चीज़ को दिखाते भी नहीं है। सचिव वगैरह तो बने हैं आपसे पहले? अब बने हैं तो सब अपने अपने फायदे के लिए बने हैं। ऐसे बने हैं सचिव, एससी सचिव बने, ऐसे इंडिविजुअली जाएंगे तो कॉलेजेस में भी बहुत बने हैं, इस साल भी बने हैं, कई तो अनपोस्ट बन गए हैं कि कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन जो जो हमारा बेसिक है, जो हमें अपने लोगों के लिए जो काम करना है, जिस आइडियोलॉजी की वजह से हम हैं, जिस आइडियोलॉजी को फैलाने का हमें काम करना चाहिए, तो वो आइडियोलॉजी कतई अच्छा, नहीं फैल रहा है डीयू में। अब जैसा कि जो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन बन गई है, ये कब तक चुनाव जीत जाए, कितने वर्ष लगेंगे इनको? अभी तो समय लगेगा, लेकिन तो पर्चा ही फाड़ दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन अब फाड़ा नहीं, हमारे तो डॉक्यूमेंट मतलब कैंसिल कर दिया ना, लेकिन हम लोग रेस से बाहर ही कर दिया अब। लेकिन हम पूरा स्ट्रेटजी के साथ, तैयारी के साथ आ रहे हैं, हम उनके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो जो भी पॉसिबल होगा, जो भी कोर्ट फैसला लेगा वो सर्वोपरि होगा, और आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनकी स्ट्रेटजी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जो अभी से वो नहीं चाहते कि जो दलित राजनीति उभरे डीयू में या जेएनयू में, वो नहीं चाहते, क्योंकि जो जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं जो एक अपर कास्ट के पास हमेशा से रही है, वो ये कतई नहीं चाहते क्योंकि हम एक बराबर आ जाएंगे, क्योंकि जब हम नॉमिनेशन भरते हैं तो हम चाहे जिस कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे जिस समाज से आते हो, तब हमारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बराबर होता है, उस जगह पे हम सब एक होते हैं, बराबर होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता, तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि हम एक बराबर बैठे। NSUI और ABP जो ये संगठन है बीजेपी और कांग्रेस के, नेता तो उनके सपोर्ट करते होंगे इनको? हाँ, करते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं, चाहे धन से हो चाहे बल से हो, हर तरीके से इनके नेता इनको जिताने का काम करते हैं। तो भीम आर्मी कैसे टक्कर दे पाएगी इनको? भीम आर्मी करेगी, हमारे पास भले धन की राज धन ना हो, लेकिन हमारे पास दल है, बल है। लेकिन डीयू में पैसा उड़ता है खुलेआम, नोट ऐसे बरसाए जाते हैं, कितना गाड़ी आती है बाहर से, जीप लेकर चलते हैं, पिस्टल भी दिखाते हैं, वो तो पूरे दिन डंका बजता रहता है उनका। ये तो प्रशासन को भी दिखना चाहिए ना
कि इतना पैसा जिस डीसू के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है केवल हमारे चुनाव प्रचार के लिए 5,000 रुपये खर्च किया जाएगा, वहाँ चार चार एवीपी जैसे संगठन 4-4 करोड़ का फंड लेके आते हैं और ऐसे करोड़ों महंगी महंगी गाड़ी, जो करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, ऐसी ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों को इलेक्शन में उतारा जाता है। तो ये प्रशासन सुंदरी का भी काम चल, ये प्रशासन को भी देखना चाहिए केवल ये, और ये नेशनल मीडिया को कवर करना चाहिए कि जो ये राजनीति चल रही है, ये जो मनी पावर पॉलिटिक्स चल रही है, इसको आइडियोलॉजिकल वे पे ख़त्म करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के लोग जब भी राजनीति में आते हैं तो ये केवल ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आते हैं। अब जो 4 करोड़ रुपये लगाएगा तो वो 4 करोड़ निकालेगा भी तो अपनी जेब से, कोई नहीं लगाता यहाँ पे। भ्रष्टाचार फैलेगा इससे, भ्रष्टाचार फैलेगा के नाम पे। जब ऐसे ही लोग जाएंगे लोकसभा में, जाएंगे राज्यसभा में, जाएंगे विधानसभा में जाएंगे, तो इसी तरह के नेता ये भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं।